अजीज तलबा, आज जो है हम सिफर की जमा और तफरीक मिसालों के जरिए जो है वो सीखेंगे। एक जानिब मैंने जमा के हिसाब लिखा और एक जानिब जो है तफरीक के हिसाब लिखा हूँ। आइए मैं आपको जो है ये तफसील से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दो है और यहाँ पर सिफर है। जाहिर सी बात है सिफर अपने आप में कोई अहमियत नहीं रखता है, अगर उसमें हम दो मिलाएंगे तो जवाब दो ही आएगा। जैसे अगर हम मिसाल लिए यहाँ पर कितने एक दो दो है, यहाँ पे सिफर है, हमने यहाँ पर सिफर लिखा, इसको अगर गिने हमने गिनती करें तो एक दो सिफर जो है वो सिफर मिलाने पर वो अदद बढ़ेगा नहीं, जैसे कि वैसे लिखा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 19 है, 19 में भी जो है हम सिफर मिलाएंगे तो उसका जवाब 19 ही आएगा। यहाँ पर भी 7 है, 7 में सिफर मिलाएंगे तो उसका जवाब 7 ही आएगा। उसी तरह ये तफरीक के हिसाब देखिए, तफरीक के हिसाब में भी अगर हम मुख्तलिफ कुछ शक्लें वगैरह बनाकर अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 जगह हमने बनाया 1 2 3 4 5 और सिफर है, सिफर उसमें से कम किए तो सिफर उसमें से कम होगा नहीं, क्योंकि सिफर अदद अपने आप में वो अहमियत नहीं रखता कि किसी अदद को कम करे या बढ़ाए, तो इसके लिए जवाब जो है वो 5 ही आएगा। यहाँ पर भी 3 तफरीक सिफर है, यहाँ पर भी जवाब जो है वो 3 के 3 ही आएगा। उसी तरीके से नीचे देखिए आप 11 तफरीक सिफर है, यहाँ पर भी 11 जो है जैसी की वैसी आएगा। इसका मतलब ये है कि चाहे आप जमा का अमल करो या तफरीक का अमल करो, जवाब जो अदद है वही आएगा। ये मिसाल के तौर पर आपने देखिए यहाँ पर 2 के 2 आए जमा के अमल में, यहाँ पर 5 में तफरीक में 5 के 5 आए।